जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडिया जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम सेवक और पंचायत सचिव भर्ती 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से बड़े स्तर पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इन वैकेंसीज को रखा गया है। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें इस भर्ती के लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो देखिए ग्राम सेवक और पंचायत सचिव भर्ती 2023 के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। ग्राम सेवक एंड पंचायत सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, एंड इसी के साथ में नोटिफिकेशन नंबर भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। बात करते हैं दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों के बारे में, तो ग्राम सेवक के 7460 पद रखे गए, इसी के साथ में पंचायत सचिव के 5051 वैकेंसीज रखी गई हैं, एंड इसी के साथ में दोस्तों आप यहां से चेक कर सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पंचायती राज भारत की विभिन्न पंचायतों में ग्राम सेवक और पंचायत सचिव के पदों पर आवेदन आमंत्रित करता है, एंड इच्छुक अभ्यर्थी निर्देशित विभाग की वेबसाइट पर दी हुई दिनांक से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां से आप इजीली चेक कर पाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय भर्ती 2023 के बारे में अगर हम बात करें, तो आपका जो विभाग का नेम रहेगा, डिपार्टमेंट नेम रहेगा, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय रहेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से आपकी वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। पद का विवरण, ग्राम सेवक और पंचायत सचिव के लिए वैकेंसीज रखी गई है, इन पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। कुल पद के बारे में बात कर लें तो 12,541 पद रखे गए हैं, सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। आवेदन करने का तरीका आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता यहां पर 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी rural.nic.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो देखिए ग्राम सेवक पद के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय भाषा का ज्ञान आपको होना जरूरी है, मतलब कि लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। पंचायत सचिव भर्ती के लिए दोस्तों 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए, स्थानीय भाषा का ज्ञान आपके पास में होना बेहद जरूरी है। चयन प्रक्रिया आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर रहेगा। पाठ्यक्रम आप यहां से चेक कर सकते हैं दोस्तों, जो इस वैकेंसीज के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आपसे पूछी जाएंगे, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आपके होने वाले, इसी के साथ में भारतीय राजतंत्र और शासन से संबंधित क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही में पर्यावरणीय परिस्थिति, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान, बोधगम्यता और संचार कौशल से संबंधित क्वेश्चन आपके होने वाले, साथ ही में तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता आपसे पूछा जाएगा, इसी के साथ में डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये जो यहां पर आपको नोट देखने को मिल रहा है, इस नोट को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही में दोस्तों, यहां पर देखिए, परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को पेपर में सिर्फ 33% अंक लाने होंगे, मतलब कि 33% मार्क आपको जो है मिनिमम लाने होंगे, तभी जाकर के आपको मेरिट लिस्ट में जो है आपका नंबर आने वाला है। लगभग मतलब या तो आपको 27% ठीक करने होंगे, या फिर आपको 66 अंक यहां पर प्राप्त करने होंगे, एंड अगर इससे कम अंक प्राप्त करते हैं तो उसे फेल माना जाता है। मतलब कि दोस्तों, अगर आप इससे कम अंक लेकर के आते हैं तो आपको यहां पर फेल कर दिया जाएगा, और कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रश्न पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में दोस्तों उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो यहां पर लिखित एग्जाम को मतलब पार करते हैं या फिर लिखित एग्जाम को पास करते हैं, उनको यहां पर जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एंड दोस्तों, जो आपको यहां पर पद रखे गए, इनमें आपको सैलरी क्या मिलने वाली है, अगर उसके बारे में बात करें तो देखिए, 7वां वेतन आपको यहां पर दिया जाएगा। लेवल जो आपका पे मैट्रिक्स बनने वाला है वो लेवल 1, 2 एंड 3 से बनने वाला है। 25,500 रुपए से 35,500 रुपए तक आपको काफी अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी। इसी के साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो भी अलाउंस यहां पर
प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे के सारे अलाउंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। एज लिमिट के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार आपको एज में छूट देखने को मिल जाएगी, जो कि एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट प्रोवाइड की जाती है। आप यहाँ से इजिली अपना जो है कैटेगरीज वाइज एज ग्रुप चेक कर सकते हैं कि सामान्य के लिए एज ग्रुप क्या रहेगा, एससी एसटी ओबीसी एमपीसी शहरी श्रेणी के लिए आपका जो है एज ग्रुप क्या रहेगा, मृतक पुलिसकर्मियों एवं राज्य कर्मचारी के आश्रितों की जो है एज ग्रुप क्या रहेगा, साथ ही में पूर्व सैनिक एक्सेसमेंट कैंडिडेट के लिए एज ग्रुप क्या रहने वाला है। चयन प्रक्रिया आपकी जो है ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर रहेगा। आवेदन शुल्क के बारे में अगर बात कर लें तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड एमपीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको ₹100 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। एंड इसी के साथ में अगर आप एससी एसटी एंड अन्य रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन फीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से इजिली सबमिट कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें दोस्तों, इसके बारे में बात कर लें तो देखिए, आपको rural.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में दोस्तों इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लें तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होंगे एंड आपकी जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है वो 15 जनवरी 2023 रखी गई है। इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये जो आपकी 15 जनवरी डेट है ये आपकी टेंटेटिव डेट रखी गई है। साथ ही में दोस्तों आपकी जो एग्जाम डेट रहेगी वो मार्च अप्रैल 2023 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। सो वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।